वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, लेट अस सी व्हाट इज प्लेस वैल्यू चार्ट. वी विल रीड हेयर अबाउट वंस एंड थाउजेंड. ओके, हेयर इट इज गिवन पीरियड प्लेसेस. हेयर नंबर इज गिवन 37,684. ओके, एंड थाउजेंड एंड वन. लेट अस सी इन वंस there is 1, 10, and 100 and in 1000 there is 1000 and 10,000. okay, next, the place value chart has been separated into two groups called periods. यहाँ पे place value charts को दो अलग अलग group पे separate किया गया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं period. the ones period has three places, 100, 10s, and 1s. वंस पीरियड में तीन प्लेस होंगे. ओके, वंस, टेंस एंड हंड्रेड. द थाउजेंड पीरियड हैज़ टू प्लेसेस, द थाउजेंड एंड वन थाउजेंड. इन थाउजेंड पीरियड देर आर टू प्लेसेस, वन इज 10,000 and 1 is 1,000. ओके, व्हेन वी राइट अ नंबर विदाउट यूजिंग अ चार्ट वी यूज अ कॉमा टू सेपरेट द पीरियड. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी राइट अ नंबर विदाउट यूजिंग अ चार्ट, फॉर राइटिंग नंबर वी जनरली मेक प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, एंड इफ वी आर नॉट मेकिंग प्लेस वैल्यू चार्ट, अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं बना रहे हैं तो हम उस नंबर को कॉमा का यूज़ करके उसको सेपरेट करेंगे. ओके, लेट अस सी, वी हैव टू रिमेंबर थ्री पॉइंट्स. ओके, फर्स्ट, फाइव डिजिट नंबर बिगिंस विथ 10,000 प्लेस. जो पाँच डिजिट का नंबर रहता है वो 10,000 प्लेस से स्टार्ट होता है. ओके, द 10,000th प्लेस इज इन द 1000th पीरियड. और जो 10,000th प्लेस होता है वो 1000th पीरियड में होता है, ठीक है. हमने पढ़ा था ना, दो पीरियड्स हैं, अभी यहाँ पे दो पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वंस एंड थाउजेंड. तो यहाँ पे देखिए, जो 10,000 की प्लेस है वो 1000th पीरियड में होगी. ओके, नेक्स्ट, वी पुट अ कॉमा टू सेपरेट द 1000 पीरियड फ्रॉम 100 पीरियड. हम कॉमा का यूज़ करेंगे 1000 पीरियड को अलग करने के लिए 100 पीरियड से. ओके, 100 पीरियड यहाँ पे देखिए, वंस में क्या होगा, तीन चीज़ें होंगी. वंस में हमको मिलेगा 1, 10s, और 100s, और 1000 पीरियड में हमको मिलेगा 1000 एंड 10,000. तो जब हम 1000 को 100 से सेपरेट करेंगे तो उनके बीच में हम कॉमा का यूज़ करेंगे. ओके, नाउ लेट अस सी, टेक अ नंबर 53,647. ओके, चलिए हम एक नंबर लेते हैं 53,647. यहाँ पे देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000. पुट द वैल्यू 7 इन वंस, पुट द वैल्यू 4 इन टेंस, पुट द वैल्यू 6 इन हंड्रेड, पुट द वैल्यू 3 इन थाउजेंड एंड पुट द वैल्यू 5 इन 10,000. ओके, हमें 7 को वंस में रखना है, 4 को टेंस में रखना है, 6 को हंड्रेड में रखना है, 3 को थाउजेंड में रखना है और 5 को 10,000 में रखना है. ओके, तो यहाँ पे देखो, एक्सपेंडेड नोटेशन क्या होगा इसका. एक्सपेंडेड नोटेशन मतलब हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर को हम ऐड करेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखिए, एक्सपेंडेड नोटेशन में सबसे फर्स्ट हम किसको लिखेंगे, 10,000 वाले नंबर को. ओके, 10,000 में यहाँ पे क्या दिया है, 5 को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 50,000. हाउ डू वी राइट, वी राइट एज 50,000. एंड व्हेन वी राइट द नंबर 1000, वी राइट एज 3000. ओके, 3000 इट मीन्स 4 डिजिट नंबर. व्हेन वी राइट 10,000, वी राइट 5 डिजिट नंबर. व्हेन वी राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट 1000 प्लेस, वी राइट 4 डिजिट नंबर. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 100, वी टेक 3 डिजिट नंबर. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टेंस, वी टेक 2 डिजिट नंबर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वंस, वी टेक 1 डिजिट नंबर. ओके, सो इट इज़ अवर एक्सपेंडेड नोटेशन. ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है. इन वर्ड्स, इन वर्ड्स, अब इसको वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे देखिए, जो ये नंबर दिया गया है उस नंबर को हम अब वर्ड्स में लिखेंगे. अब वर्ड्स में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे देखिए, आगे
53,647. And in figures, we write 53,647. One thing you will have to see that we are talking about two periods here, ones period and thousand period. यहाँ पे हम one period और thousand period की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे one period में क्या आएगा, ones, tens and hundred. तो यहाँ पे देखिए number 53,647 है, तो यहाँ पे देखिए ones में क्या है 7, tens में क्या है 4, hundred में क्या है 6. तो हम ones, tens, hundred, ये क्या हो जाएगा, ones period. ones period के बाद हम क्या लगा देंगे, comma, okay? उसके बाद जो thousand period आएगा उसको हम उसके आगे लिख देंगे कॉमा के आगे, ठीक है? तो यहाँ पे थाउजेंड पीरियड में क्या था 53, थाउजेंड पीरियड में क्या गिवन है 53, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे 53,647, ओके 53,647, ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट सी वी विल सी हियर सिक्स डिजिट नंबर. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फाइव डिजिट नंबर, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी सिक्स डिजिट नंबर, ओके. देयर इज़ अ नंबर गिवन 99,999, 1, 2, 3, 4, 5, इट इज़ फाइव डिजिट नंबर, ओके. 99,999 इज़ द लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर, इट इज़ लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस दैट the greatest one digit number is 9, greatest two digit number is 99, and the greatest three digit number is 999, and the greatest four digit number is 9,999. And now we will see greatest five digit number. Here we get 99,999, and for getting six digit number, here we will add 1, okay. When we add in 99,999, if we add 1 in 99,999, we will get 1 lakh, okay. What do we get? We will get 1 lakh. अगर हम 99,999 जो कि 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 lakh, okay. And 1 lakh is the smallest six digit number. और 1 lakh जो है वो क्या है, smallest six digit number है, okay. Next, a six digit number moves into a new period called the lakh period. In we have earlier talked that we have studied ones period, thousand period, and now we will study here lakh period, okay. When we talk about six digit number, those six digit number will move to lakh period. जब हम देखिए जब हम ones की बात करते हैं, thousand की बात करते हैं और lakh की बात करते हैं, तो यहाँ पे lakh में क्या हो जाएगा, six digit number आ जाएगा. तो six digit number जो है वो lakh period में चला जाएगा, okay. Now what we have to remember here, a six digit number begins with the 1 lakh place. जो सिक्स डिजिट नंबर है वो 1 lakh प्लेस से स्टार्ट होता है, ओके. सिक्स डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 lakh प्लेस. छः डिजिट का जो नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 lakh से, ओके. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, वी पुट अ कॉमा टू सेपरेट द लैक्स पीरियड फ्रॉम द थाउजेंड पीरियड. अब यहाँ पे देखिए जैसे हम वंस और थाउजेंड को सेपरेट कर रहे थे, वंस और थाउजेंड को जब हम सेपरेट कर रहे थे तो हमें कॉमा का यूज़ करना पड़ रहा था. उसी तरह जब हम वंस थाउजेंड और लैक को हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, जब हम लैक थाउजेंड और वन को अलग करेंगे तो हमें उनके बीच में कॉमा यूज़ करना पड़ेगा, ओके. तो हम यहाँ पे कॉमा कैसे यूज़ करेंगे, आगे देखिए. टेक द नंबर 6,15,786. अब चलिए एक नंबर लीजिए, यहाँ पे दिया गया है 6,15,786, ओके. सो वी विल पुट,
So let us make a place value chart. Okay, we will put this number as, put the 6 in ones place, put the 6 in 1 place, put the 8 in 10 place, put the 7 in 100 place, put the 5 in 1000 place, put the 1 in 10,000 place and put the 6 in lakh place. Okay, तो यहाँ पे देखिए एक नंबर दिया गया है 6,15,786. तो अब हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले हम पुट करेंगे, ठीक है. प्लेस वैल्यू चार्ट में हम पहले रखेंगे, तो 6 को हमने वंस में रखा है, 8 को हमने टेंस में रखा है, 7 को हमने 100 में रखा है, 5 को हमने 1000 पे रखा है, 1 को हमने 10,000 पे रखा है, 6 को हमने लैख पे रखा है, ठीक है. तो अब हम इसको जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ठीक है. 6 को वंस में रखेंगे तो वो 6 आएगा, और 8 को हमने टेंस पे रखा है तो वो 2 डिजिट हो जाएगा. तो 2 डिजिट यहाँ पे 8 को हम कैसे लिखेंगे, 80. यहाँ पे 7 को हमने 100 में रखा है तो 100 में क्या होता है, 3 डिजिट होता है. तो हम 7 को कैसे लिखेंगे, वी विल राइट 7 एज 700. ओके, यहाँ पे 5 दिया गया है तो 5 की प्लेस क्या है, 1000. तो 5 को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एज 5000. ओके, एज अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है. यहाँ पे 1 दिया गया है, 1 कहाँ है, 10,000. ओके, तो 10,000 कितने डिजिट का नंबर होता है, 5 डिजिट नंबर. तो 1 को हम यहाँ पे 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है. यहाँ पे 6 कितने डिजिट का नंबर, लैख में कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट. ओके, तो यहाँ पे हम 6 को लिखेंगे एज अ 6 लाख. ओके, नाउ सी द एक्सपेंडेड नोटेशन. अब हम इस नंबर को एक्सपेंडेड नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इट मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करेंगे लैख से. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 लाख प्लस 15,000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 6. तो यहाँ पे देखिए हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसा लिखा है इसको, 6 लाख प्लस 15,000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 6. जब हम इसको सबको ऐड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, हमें मिल जाएगा 6,15,786. ओके, एंड हाउ डू वी राइट इन वर्ड्स, वी विल राइट दिस नंबर एज 6,15,786. हाउ डू वी राइट दिस नंबर, वी राइट एज 6,15,786. ओके, एंड इन फिगर वी राइट बाय यूजिंग कॉमा. ओके, वी विल पुट कॉमा, हम यहाँ पे कॉमा रखेंगे, ठीक है. वंस पीरियड को हम अलग करेंगे, 1000 पीरियड को हम अलग करेंगे और लैक पीरियड को अलग करेंगे. तो यहाँ पे वन पीरियड को अलग करिए, वहाँ पे कॉमा लगाइए, और 15 इसको भी अलग करिए. ये क्या है, ये 1000 पीरियड का है, और ये 6 क्या है, ये लैक पीरियड का. ओके, तो हम यहाँ पे 6 के बाद कॉमा लगाएंगे, 15 के बाद कॉमा, फिर यहाँ पे 786. इसको हम कैसे रीड करेंगे, 6,15,786. ओके, समटाइम इंस्टीड ऑफ कॉमास स्पेस कैन बी लेफ्ट बिटवीन पीरियड टू हेल्प अस रीड द नंबर इजीली. कभी कभी हम कॉमा की जगह हम वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको रीड करने में आसानी होती है. ओके, आर यू गेटिंग मी, ओके, थैंक यू.